दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना ही जाता है। ऐसी एक जगह उत्तरी अफ्रीका के देश इथोपिया में है। क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। इथोपिया का एक हिस्सा इरिट्रिया से भी मिलता है। ये ऐसी जगह है जहाँ धरती के अंदर भी आग लगी हुई है और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके हो। सचमुच में यह बेहद ही रहस्यमय और आश्चर्यमय यानी अमेज करने वाली जगह है। इस जगह को डनाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। सालों भर यहाँ का औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। बारिश तो यहाँ बस नाम मात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर की बारिश ही हो पाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस रेगिस्तान में आपको कई जगह पर पानियों के पॉट होल्स यानी कि गड्ढे दिखेंगे, जो कि असल में पानी के पॉट होल्स नहीं, वो एक तरह के सलाइन एसिडिक सॉल्यूशंस हैं जो कि जमीन से निकल रहे नमक और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के मिक्स होने से वहां पे बनप गई है। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इसमें किसी भी तरह के आम जीव जंतु सर्वाइव या इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे पीकर ना वो बच सकते हैं, ना ही इस पे बेस होके वो अपने दिनचर्या को गुजार सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल्स यानी अफ्रीकी देश के इथोपिया के जो लोकल्स हैं वो भी इन रेगिस्तानों से अपनी दूरी बना के रखते हैं और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही नमक की खदानी करने वहाँ पर जाते हैं। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, ये वही प्लेट्स होती है जो हमारे अर्थ सर्फेस के नीचे होती हैं और जब ये मूव करती हैं तो टर्की दिल्ली जैसे भूकंप ले आती है। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स इस जगह पर आकर मिलती है। ये वो प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। हालांकि ये प्लेटें हर साल में 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हो जा रही हैं। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अक्सर अंदर की आग बाहर निकल आती है। पिघलता हुआ लावा यहाँ बड़े पैमाने में फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं जिनकी वजह से तापमान हमेशा ज्यादा बना रहता है। ज्वालामुखी धरती के अंदर से निकल रहे लावा के वेंट्स की तरह काम करते हैं। जब धरती के अंदर किसी प्रकार का बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो गैशियस प्रेशर हो चाहे वो मॉल्टन लावा का प्रेशर हो, तब एक ज्वालामुखी के मुहाने से वो प्रेशर रिलीज होता है। अब सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब इन ज्वालामुखियों से प्रेशर रिलीज होने की प्रक्रिया हो रही होती है, इस बीच वो प्रेशर धरती के सरफेस में मूव करता है और जब वो आगे बढ़ के वेंट तक यानी कि ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंचता है, अपने रास्ते में आने वाले कई टेक्टोनिक प्लेटों को और अलग जमीन के अंदर यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे के पार्ट्स यानी कि क्रस्ट मैंटल और कोर जैसे इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खसक जाते हैं और परिणाम स्वरूप भूकंप के आने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट डनाकिल डेजर्ट अफ्रीका के बारे में। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इस प्रकार की अपडेटेड अमेजिंग फैक्ट से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।